हमारी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब अपनी पीढ़ी को मेंटेन करने के लिए रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि रिप्रोडक्शन की मदद से अपने आप को जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन करता है। अमीबा जो कि हमारे अर्थ का प्राइमिटिव ऑर्गेनिज्म है, यानी कि हमारे अर्थ का एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसे एनिमल्स का फर्स्ट लाइफ कहा जाता है। हम मेनली देखना चाहते थे कि अमीबा रिप्रोडक्शंस कैसे करता है, इसमें किस टाइप का रिप्रोडक्शंस होता है, क्योंकि रिप्रोडक्शंस अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपनी पीढ़ी को मेंटेन करने के लिए अलग अलग टाइप्स का रिप्रोडक्शंस करता है। तो हमने वाटर का सैंपल लाया, एक ऐसे वाटर का सैंपल जिसमें अमीबा प्रेजेंट था, अमीबा मौजूद था, उसका कल्चर किया और माइक्रोस्कोप से देखा तो हमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। हमने इसे और जूम किया, इसका मैग्निफिकेशन बढ़ाया, बड़ा किया, तो हमने देखा कि बीच में इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म है, स्यूडोपोडिया है जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, और सबसे बड़ी बात था कि इसका कोई शेप, इसका कोई आकार, कोई स्ट्रक्चर नहीं था, बल्कि ये इरेगुलर शेप का था, यानी कि इसका स्ट्रक्चर इरेगुलर था। मेनली हम देखना चाहते थे कि ये रिप्रोडक्शंस कैसे कर रहा है, ये कैसे अपनी पीढ़ी को मेंटेन कर रहा है, अपनी नई संतान को जन्म दे रहा है। तो हम लगातार इसको देख रहे थे, तो कुछ देर बाद हमने देखा कि इस अमीबा के अंदर इसका न्यूक्लियस इस तरह से लंबा होना शुरू हो गया, यानी कि न्यूक्लियस में खिंचाव होना शुरू हुआ और न्यूक्लियस लंबा होने लगा। जब न्यूक्लियस इस तरह से लंबा हुआ तो इसका पूरा बॉडी, साथ में पूरा बॉडी भी लंबा होने लगा, यानी कि साइटोप्लाज्म भी लंबा होना शुरू हो गया, और पूरी तरह से साइटोप्लाज्म इस तरह से डिवाइड होने के कागार पे पहुंच गया और अंत में लास्ट में बीच से टूट गया, और ये दो पार्ट में, टू पार्ट्स में, दो भाग में डिवाइड हो गया और डिवाइड होकर दो अमीबा को जन्म दे दिया, यानी कि टू डाउटर अमीबा को जन्म दिया, यानी कि टू डाउटर अमीबा में कन्वर्ट हो गया। मेनली ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने बच्चे को जन्म देने के बाद इसके पेरेंट का अस्तित्व बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अब इसका पेरेंट तो रहा नहीं, अब इसका कोई पेरेंट रहा नहीं, पेरेंट का अस्तित्व बच्चे में कन्वर्ट हो गया। अब देखो थोड़ा सा इसको देख लो, मेनली ये क्या है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम हैं तो हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हम बहुत सारे सेल्स से बने हुए हैं, यानी कि हायर ऑर्गेनिज्म जितने भी है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स, हायर ऑर्गेनिज्म जितने भी है वो मल्टी सेलुलर है, यानी कि बहुत सारे सेल्स से बने हुए हैं। लेकिन अमीबा जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, प्राइमिटिव अर्थ का ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना हुआ है, एक सिंगल सेल है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस है, क्योंकि अगर न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो फिर इसके बॉडी को कंट्रोल कौन करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस कंट्रोलिंग सेंटर है, जो कि जिसके अंदर इसके पूरे बॉडी का जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। तो मेनली न्यूक्लियस था, साइटोप्लाज्म था, न्यूक्लियस लंबा होना शुरू हुआ और इस तरह से न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म भी लंबा हुआ और बीच से टूट गया, बीच से टूटकर दो अमीबा में डिवाइड हो गया और टू डाउटर अमीबा का जन्म हो गया, यानी कि टू डाउटर अमीबा में पेरेंट कन्वर्ट हो गया। यही था रिप्रोडक्शन ऑफ अमीबा, यानी कि अमीबा का रिप्रोडक्शंस या फिर अमीबा के अंदर रिप्रोडक्शंस कैसे होता है। चलो हम देख लेते हैं कि अमीबा में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। तो मेनली अमीबा में फिजन होता है, और फिजन टू टाइप्स के होते हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, और अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन में सेल डिवाइड टू फॉर्म्स टू सेल्स, यानी कि सेल टू फॉर्म्स में डिवाइड हो जाता है। द पेरेंट सेल डिवाइड इंटू टू इक्वल हाल्फ्स डाउटर सेल्स, यानी कि पेरेंट सेल टू इक्वल हाल्फ्स में डिवाइड हो जाता है और डाउटर सेल्स का निर्माण कर देता है, यानी कि दो बराबर भाग में टूट गया, डिवाइड हो गया और वही डाउटर सेल्स है। यही था रिप्रोडक्शन इन अमीबा।